लोधरा के मनासिर इस वक्त आप बोल न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। चेयरमैन तहरीके इंसाफ लोधरा की जलसागा पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में स्टेज तक पहुंचेंगे और कारकुनान से खिताब करेंगे। कारकुनान की एक बड़ी तादाद खान साहब की गाड़ी के पीछे भागती हुई नजर भी आई, उनके इस्तकबाल के लिए वहां पर मौजूद कयादत भी इस वक्त स्टेज पर विराजमान है और चेयरमैन तहरीके इंसाफ और इस वक्त पहुंचेंगे स्टेज के ऊपर और कुछ ही देर में वो जलसागा में लोगों से खिताब भी करेंगे। सिक्योरिटी के हिसाब में चेयरमैन तहरीके इंसाफ इस वक्त स्टेज पर चढ़ रहे हैं। मनासे में आप देख सकते हैं चेयरमैन तहरीके इंसाफ इस वक्त लोधरा में मौजूद हैं और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इस वक्त कैंपेन चला रहे हैं चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान और लोधरा आज पहुंचे हैं जहां पर वो लोगों का लहू गरमाएंगे और लोगों को इस बात के लिए कायल करेंगे कि वो तहरीके इंसाफ को ही वोट दे। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं और लोगों को हाथ उठाकर उन्होंने लोगों के इस्तकबाल का इस वक्त जवाब दिया है और इस वक्त लोगों की एक बड़ी तादाद जलसागाह के अंदर मौजूद है। मकामी कयादत भी इस वक्त स्टेज पर बराजमान है और उनका इस्तकबाल किया जा रहा है चेयरमैन तहरीके इंसाफ की जानिब से। मकामी कयादत का इस वक्त मुसाफिया किया जा रहा है और कुछ ही देर में चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान लोगों से खिताब करेंगे और उनका लहू गरमाएंगे। आपको बताते चले कि वो लोग जो तहरीके इंसाफ से मुनहरिफ हुए थे और उनको डीसीट किया गया था जिसके बाद ज़िमनी इंतखाबात का दोबारा ऐलान किया गया था। फैसल जावेद इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं और वो लोगों का लहू गरमा रहे हैं क्योंकि चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान वहां पर पहुंच चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।